जब हम लोग छोटे थे तब हमें बताया गया था कि हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 9 प्लैनेट्स हैं, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। प्लूटो जिसे 1930 में डिस्कवर किया गया था वो कभी 9 प्लैनेट हुआ जरूर करता था, लेकिन 2006 में प्लूटो से 9 प्लैनेट का खिताब छीन कर उसे ड्वार्फ प्लैनेट का नाम दे दिया गया। प्लूटो का साइज ही इतना छोटा सा है कि वो सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट से कंपैरिजन एक छोटा सा बच्चा लगता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि प्लूटो की डिस्कवरी कितनी इंटरेस्टिंग है? असल में साइंटिस्ट यूरेनस को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। 1846 में हमारे प्लैनेट में नेपच्यून की डिस्कवरी के बाद भी यूरेनस के ऑर्बिट को समझ पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, और इसीलिए उस वक्त के अंदाजा लगाया गया कि नेपच्यून की दूसरी तरफ भी एक प्लैनेट है, और वक्त के साथ साथ नेपच्यून के साइड वाले प्लैनेट यानी कि प्लूटो को ढूंढ लिया। हमें तो लगा कि भाई अब ये प्लैनेट यूरेनस और नेपच्यून के ऑर्बिट को समझने में हमें बहुत हेल्प करेगा, लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं क्योंकि ये प्लैनेट जरूरत से ज्यादा छोटा निकला। तो अब हम फिर से उसी मुसीबत में पड़ गए जिस मुश्किल में 100 साल पहले थे। कोई तो ये बहुत ही भारी सा ऑब्जेक्ट है जो कि यूरेनस और नेपच्यून के ऑर्बिट को मूव करने के लिए मजबूर कर रहा है। और फिर हुई बहुत सारी कैलकुलेशन जिनकी मदद से साइंटिस्ट ने यह पता लगाया कि एक प्लैनेट उसके आसपास के दूसरे मूनस और प्लैनेट्स की वजह से किस तरह के ऑर्बिट में मूव करेगा। लेकिन सिर्फ यूरेनस और नेपच्यून ही ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि कैलकुलेशंस के बिल्कुल अलग में जाकर बिल्कुल अलग तरीके से मूव कर रहे हैं। बहुत सारे रिसर्चर्स पूरे तरीके से ये बिलीव करते हैं कि एक प्लैनेट 9 बाहर कहीं स्पेस में मौजूद है और वो प्लूटो से कई ज्यादा बड़ा भी है। अब क्योंकि प्लैनेट के बारे में हम ज्यादा कुछ जानते नहीं है तो इसी वजह से इसे हम प्लैनेट एक्स कहते हैं। तो क्या वाकई में प्लैनेट 9 है? अगर है तो आखिर दिखता कैसा है, और तो और वो स्पेस में आखिर इतनी दूर कैसे पहुंच गया? सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि प्लैनेट 9 जैसी चीज कोई एग्जिस्ट भी करती है। अब मान लो कि हमारी यूनिवर्स बिल्कुल खाली है, इसके अंदर सिर्फ हमारा सूरज है और उसके अराउंड रोटेट करती हुई हमारी अर्थ। अब इस केस में न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटी और सन के मास से हमें परफेक्टली ये पता चल जाएगा कि अर्थ कौन से ऑर्बिट में मूव करेगी। तो अब ये मान लेते हैं कि सिस्टम में दो और प्लैनेट्स हैं, जुपिटर और मार्स, जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं। तो अब अर्थ का जो ऑर्बिट होगा वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, उसकी कैलकुलेशंस जो है वो फिट नहीं बैठेंगी। न्यूटन की फिजिक्स क्लियरली ये बताना शुरू कर देगी कि कुछ तो गड़बड़ है और किसी और तरह की ग्रेविटी ऑर्बिट को इफेक्ट कर रही है। और इस तरह से अगर हमने अभी तक जुपिटर और मार्स को डिस्कवर नहीं भी किया है ना, तब भी हम ये बता पाएंगे कि बाहर कुछ ना कुछ तो मौजूद है। अब हर प्लैनेट का एक मास होता है और उसके साथ होती है उसकी ग्रेविटी। ग्रेविटी की रेंज इन्फिनिट होती है, इसलिए जो भी प्लैनेट अभी तक डिस्कवर नहीं हुए उनकी ग्रेविटी अर्थ की ऑर्बिट को डायरेक्ट इफेक्ट करेगी और बता देगी कि कुछ तो डिस्कवरी होना अभी बाकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम अर्थ के ऑर्बिट को सही तरीके से मेजर भी कर सकें तो हमें उसके ऑर्बिट का वो लोकेशन भी मिल जाएगा जहाँ सही तरीके से चीजें नहीं हो रही है। मतलब हमें ये भी पता लग जाएगा कि हाइपोथेटिकल प्लैनेट्स की लोकेशन और मास आखिर है कहाँ। तो अब इस स्टेज में हम अपनी टेलीस्कोप को उनकी डायरेक्शंस में पॉइंट आउट करके मार्स और जुपिटर को डिस्कवर कर पाते हैं। लेकिन उनकी डिस्कवरी के बाद भी अर्थ के ऑर्बिट की मूवमेंट को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकेगा। तब हमें अपनी थ्योरी को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा और हम ये कहेंगे कि नहीं, अभी जुपिटर के बाद भी यूनिवर्स में प्लैनेट्स हैं जिनकी डिस्कवरी होना अभी बाकी है। और कुछ इसी तरह से प्लैनेट डिस्कवरी की साइंस भी काम करती है, और इसी तरीके से हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स डिस्कवर भी हुए थे। मर्करी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न को बहुत पहले ही डिस्कवर कर लिया गया था क्योंकि उसे आसमान में देखा जा सकता था। लेकिन यूरेनस जो कि 18वीं सदी में डिस्कवर किया गया था, और उसकी डिस्कवरी के बाद थ्योरेटिकल फिजिक्स और टेलीस्कोप में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि साइंटिस्ट को पता चल गया यूरेनस के ऑर्बिट में कुछ तो गड़बड़ है और कोई बहुत ही भारी सी चीज उसे अफेक्ट कर रही है। और इसी तरह से नेपच्यून एक ऐसा पहला प्लैनेट बन गया जिसे सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पर डिस्कवर किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, नेपच्यून को अच्छे से ऑब्जर्व करने से पहले ही साइंटिस्ट ने उसकी साइज और लोकेशन के बारे में भी बता दिया था। अब इसी वजह से 1846 में नेपच्यून की डिस्कवरी हो पाई, लेकिन इसके बाद भी यूरेनस और नेपच्यून के ऑर्बिट को एक्सप्लेन नहीं किया जा सक रहा था। और इसके बाद हुई प्लूटो की डिस्कवरी और हमें पता चला कि ये बहुत ही छोटा प्लैनेट है और इसकी वजह से ऑर्बिट पर ज्यादा असर हो ही नहीं पा रहा है। तभी से इस हाइपोथेटिकल प्लैनेट एक्स यानी कि प्लैनेट 9 की तलाश जारी है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि प्लैनेट 9 जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही ना करती हो। शायद हमने ही जो प्लैनेट्स को ढूंढने का मैथमेटिकल मॉडल बनाया है उसी में कोई प्रॉब्लम्स हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हमारे ऑर्बिटल मैकेनिक्स को समझने के लिए टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा एडवांस है और सोलर सिस्टम में हमारे प्लैनेट्स की मूवमेंट को हम बहुत अच्छे से समझते हैं। और तो और कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने ये भी सजेस्ट किया कि शायद एक बहुत ही छोटा सा ब्लैक होल हो जिसका मास नेपच्यून जितना हो और उसकी वजह से ऑर्बिट में एबनॉर्मलिटी हो रही हो। लेकिन
लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतने छोटे ब्लैक होल का मास हॉकिंस रेडिएशन की वजह से कब का खत्म हो चुका होता। हालांकि ऐसे बहुत सारे रिसर्चर्स हैं जो कि ये मानते हैं कि प्लैनेट 9 की होने की पॉसिबिलिटी ना होने के बराबर है। लेकिन एक मिनट, हमारे पास कंफर्म प्रूफ है कि प्लैनेट 9 जैसी चीज सोलर सिस्टम में बिल्कुल हो सकती है। और कहा यह जाता है कि प्लैनेट 9 सिर्फ यूरेनस और नेपच्यून के ऑर्बिट को इफेक्ट नहीं कर रहा है बल्कि दूसरे ड्वार्फ प्लैनेट जैसे कि प्लूटो को भी इफेक्ट कर रहा है। और इन दूर के ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। अब ये ऑब्जेक्ट्स नेपच्यून की तरफ ऑर्बिट कर रहे हैं लेकिन ऑब्जर्वेशंस ये कहती हैं कि ये उस तरह से ऑर्बिट नहीं कर रहे जिस तरह से हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बताती हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर इस तरह का कोई प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में है भी तो वो आखिर इतनी दूर पहुंच कैसे गया। माना जाता है कि प्लैनेट 9 भी दूसरे लास्ट प्लैनेट्स की ही तरह सन के करीब बना था लेकिन जुपिटर और सैटर्न के कॉन्टेक्स्ट में आने के बाद ही उछल कर दूर चला गया। बहुत सारे सुपर कंप्यूटर सिमुलेशंस इस पॉसिबिलिटी को सच भी मानते हैं और तो और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये प्लैनेट बिलियन साल पहले सूरज के बजाय किसी दूसरे स्टार के ऑर्बिट में रिवॉल्व करता था और इन्हीं दिनों कंसल्टेशन के कॉन्टेक्ट में आने के बाद अब वो प्लैनेट उस स्टार से छुटकर सन के अराउंड आ गया। चलो मान लेते हैं कि ऐसा प्लैनेट एग्जिस्ट करता है तो अब वो दिखता कैसा होगा, हमें किस टाइप के प्लैनेट की तलाश करनी चाहिए कि प्लैनेट 9 हमें मिल जाए। जैसा कि हमने देखा है कि प्लैनेट सन से बहुत ही दूर है इसलिए वो बहुत ही कम लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। रात में एक अच्छे से टेलीस्कोप से भी उसे देख पाना तकरीबन इम्पॉसिबल होगा। साइंटिस्ट ने 3 पॉसिबिलिटी सामने तो रखी हैं कि प्लैनेट 9 आखिर दिखता कैसा होगा। सबसे पहले तो ये कि ये एक रॉकी प्लैनेट है तो हो सकता है कि बिल्कुल अर्थ की तरह ही हो लेकिन फर्क इतना होगा कि वो अर्थ से 10 टाइम्स ज्यादा बड़ा होगा और लावा पूरी तरह से इसके ऊपर सूख जाने की वजह से ये बिल्कुल काला होगा। लेकिन इस थ्योरी में भी प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर सभी सुपर अर्थ अपने स्टार के पास ही पाए जाते हैं तो प्लैनेट 9 के जैसा रॉकी प्लैनेट इतना दूर कैसे पहुंच गया। अब दूसरी पॉसिबिलिटी के हिसाब से प्लैनेट एक्स आउटर सोलर सिस्टम में मौजूद बर्फ से बना होगा और अगर ऐसा हुआ तो ऐसा भी हो सकता है कि इस बड़े से प्लैनेट के अंदर ओशन भी हो जहां लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती हो, बिल्कुल कुछ ऐसा ही जैसा कि जुपिटर के मून यूरोपा के साथ हुआ। और लास्ट पॉसिबिलिटी के हिसाब से क्योंकि ये एक गैस जाइंट प्लैनेट होगा बिल्कुल जुपिटर सैटर्न यूरेनस और नेपच्यून की तरह जिसका कोर रॉक का बना हो जिसका एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो और उसकी वजह से ये बहुत ही कम लाइट को रिफ्लेक्ट करता हो और उसकी वजह से ये बहुत ही ठंडा हो। अब इतना कम टेम्परेचर में जितने भी जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी सरफेस पर आ जाएंगे तो अगर प्लैनेट 9 वाकई में एग्जिस्ट करता है तो वो इन्हीं 3 टाइप के प्लैनेट्स में से किसी एक कैटेगरी में जरूर आता होगा। लेकिन पहले हमें ये प्लैनेट मिल तो जाए क्योंकि इस हाइपोथेटिकल प्लैनेट की सारी थ्योरीज अभी तक सिर्फ थ्योरीज ही हैं।